शहर के स्टेडियम और बोईर दादर के बीच मुख्य सड़क के किनारे फुटकर सब्जी विक्रेता पिछले कई वर्षों से सब्जी का व्यवसाय करते हैं, जिन्हें आज रायगढ़ नगर निगम के बुलडोजर ने फिर से चिंता के चक्रव्यूह में फंसा लिया। आपको बता दें कि फुटकर सब्जी विक्रेता के मुताबिक उनकी सभी दुकानें सड़क या किसी भी तरह से आने जाने वालों के लिए कोई बाधा या रुकावट नहीं है, फिर भी निगम द्वारा उन्हें जबरन वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। सब्जी विक्रेता रमेश देवांगन ने बताया कि कोविड के समय सभी सब्जी विक्रेता से सफाई के नाम से पैसा भी लिया जाता है और उन्हें यहां दुकान लगाने के लिए बोला जाता था। हमसे कहा गया था कि तुम लोग यहीं दुकान लगाओ, लेकिन अब अचानक से निगम का बुलडोजर आया और आंधी की तरह उनकी दुकानों को उड़ा ले गया और अब रोज कमाने खाने वाले लोग परेशान हैं और अपने दुख दर्द की पीड़ा से राहत पाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए इनकी आप बीती सुनते हैं। रायगढ़ से महेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, मैं रमेश देवांगन ये बोलना चाह रहा हूँ कि रायगढ़ स्टेडियम और बोईर दादर के बीच में जो हम लोगों को सब्जी फुटकर व्यापारी जो है लॉकडाउन के पहले सर हम लोग से निगम किसी से 200 रुपए किसी से 300 रुपए पर मंथली हम लोग से सफाई के नाम से ले रहे थे, जो कि लॉकडाउन के बाद में ये रकम हम लोग से नहीं लिया जा रहा है। और इसके बाद में अभी उन लोगों को जब जरूरत थी तो लॉकडाउन पे हम लोगों को यहाँ सब्जी का पंडाल बना करके नगर निगम दिए, अभी उनको जरूरत नहीं है तो हम लोगों को यहाँ से उठा करके फेंक दे रहे जंगल पे, जहाँ पे हम लोगों का ये जो रोजगार चलने वाला नहीं है, कोई व्यवसाय चलने वाला नहीं है, अपने बाल बच्चे भूखे मरेंगे। अगर नगर निगम का यहाँ कोई प्रावधान होगा इस जगह पे तो हम लोग गरीब आदमी कुछ नहीं करेंगे जी। अगर नगर निगम का ये खाली रहेगा तो गरीब आदमी हम लोग रोजी रोटी करने के लिए अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय तो करेंगे सर। और अभी देखा जाए तो आज के इस तोड़फोड़ में राजू पांडे का मुख्य हाथ है इसमें नगर निगम का राजू पांडे आकर के जो सफाई दरोगा जो है वो आकर के जबरदस्ती अपने दुकान के ऊपर पे सीधा जेसीबी चलवा दिया और हम लोगों का जितने व्यापारी थे तो सबका आज पूरा हम लोगों का नुकसान हो गया। बाल बच्चे लोग आज हम लोगों के देखा जाए तो आज भूखे मरने की नौबत भी आ गई है। बताएंगे भैया आज क्या हो रहा था यहाँ प्रशासन द्वारा आपकी दुकानों को हटाया गया है, इस मामले में पूरी जानकारी दीजिए। हाँ जी, मैं रमेश देवांगन और मेरे अलावा यहाँ 8-10 व्यापारी और हैं सर, है ना भाई। तो हम लोगों को क्या है, आपको मोदी नगर में हम लोगों को सब्जी वाले को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं निगम, लेकिन वहाँ हम लोग 2-4 दिन लगा करके देखे सर, है ना, तो 5,000-10,000 का जो भी हम लोग गरीब आदमी माल डालते थे 10-20 रुपए बेच करके आते थे सर, यानी कि टोटल नुकसान होता था हम लोगों को। यहाँ हम लोग चकधर नगर चौक से लेकर के ये आपका रायगढ़ स्टेडियम और बोईर दादर के बीच में हम लोगों का जितना सब्जी दुकान लगता है वहाँ वो सब्जी व्यापारी लोग मोदी नगर को छोड़ करके फिर अपनी जगह में लगाना हम लोग जब शुरू किए तो नगर निगम हम लोगों को आ करके यानी कि बगैर खबर दिए हम लोगों का यहाँ अभी तोड़फोड़ किए हैं और सीधा हम लोगों के दुकान में जेसीबी चढ़ा दिए और हम लोग देखिए सुबह से शाम रात तक बाल बच्चे को छोड़ करके हैवी मेहनत करते हैं सर। और अभी हम लोगों के प्रति ऐसे निगम व्यवहार किए हैं यानी कि हम लोग कहीं का नहीं हुए। आज जैसे कि हम लोग माल डाले हैं तो पूरा का पूरा नुकसान हुआ। अभी देखिए आज की डेट पे हम लोगों का बाल बच्चों का ऐसे ये समय आ गया है, बाल बच्चों को भूखे मरने के समय आ गया है। अच्छा, ये जो हम लोग अभी निगम का ये जो खाली जगह देख रहे हैं सर, तो हम लोग यहाँ दुकान लगा रहे हैं। अगर निगम का अगर यहाँ कुछ प्रावधान रहता कुछ बनाने का, चाहे कुछ उनका घेर खराब रहता तो हम लोग गरीब आदमी यहाँ दुकान भी नहीं लगाते, लेकिन खाली जगह यहाँ पाए हैं तो गरीब आदमी अपने व्यवसाय बाल बच्चों को पालने के लिए अपना व्यवसाय कर रहे हैं सर। मैं रमेश देवांगन जी, यहाँ पे लॉकडाउन के पहले कम से कम 10 साल तक यहाँ पर मेरा होटल था। लॉकडाउन के बाद में मैं अपना सब्जी का व्यवसाय किया सर, तो अभी सब्जी का व्यवसाय भी निगम मेरे को करने नहीं दे रहा है। तो सब्जी का व्यवसाय इसलिए शुरू किया मैं, यहाँ निगम वाले खुद सब्जी का व्यवसाय लॉकडाउन पे हम लोगों को यहाँ अपना व्यवस्थापित किए थे, टेंट लगा के दिए थे सब्जी लगाने के लिए, जब सब्जी का बिजनेस हम लोग यहाँ पे शुरू करिए किए थे छोटे हम लोग वर्ग के लिए।
अब जैसे दुकान आपकी टूट गई है यहाँ से, जी सर, सब क्या हटा दिया गया है, जी सर, आप लोगों ने क्या आगे का क्या सोच रहे हैं? तो हम लोगों का ये कहना है सर, हम लोग जो यहाँ पे गरीब आदमी जो भी दुकान लगा रहे हैं, नगर निगम का अगर कोई प्रावधान होगा यहाँ पे कुछ बनाने का, चाहे बाउंड्री वॉल गिराने का, चाहे उसको कुछ उद्यान बनाने का, तब गरीब आदमी हम लोग यहाँ दुकान नहीं लगाएंगे। अगर जब तक खाली यहाँ पर रहेगी ये जगह, तब गरीब आदमी कुछ ना कुछ व्यवसाय यहाँ पे हम लोग करेंगे सर।